प्रेक्षण नंबर पाँच हम लोग देखते हैं, जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये होता है दो सदिश ए और बी हो जिनके बीच का कोण थीटा हो, तो इनका जो सदिश गुणनफल डिफाइन किया जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। और थीटा क्या होता है, जहां थीटा ए तथा बी के बीच का कोण है, थीटा ए तथा बी के बीच का कोण है और एन कैप एक मात्रक सदिश है। जो ए तथा बी दोनों पर लंब है और ए बी एन कैप दक्षिणावर्ती पद्धत फॉर्म करते हैं। तो ए क्रॉस बी की दिशा निकालने के लिए यानी एन कैप वेक्टर की दिशा निकालने के लिए हम लोग ए की तरफ जो है अपने दाएं हाथ को ऐसे करते हैं उंगलियों को और बी की दिशा में मोड़ते हैं और अंगूठे का डायरेक्शन हमारा ए क्रॉस बी की दिशा देता है। तो प्रेक्षण नंबर फाइव हम लोगों को देखना है। प्रेक्षण नंबर फाइव क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है। अगर हम लोग दोनों पक्षों में मॉडुलस ले लें तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू ए का मॉडुलस तो यही रहेगा ए मॉडुलस बी मॉडुलस और साइन थीटा एन कैप का मॉडुलस। और एन कैप जो एकांक वेक्टर होता है इसके मॉडुलस की वैल्यू हमारी हो जाएगी वन। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, इसकी वैल्यू वन हो गई। तो किसी भी दो वेक्टर ए और बी के बीच के कोण का साइन थीटा निकालना हो तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, इस फार्मूले से हम लोग दो सदिश के बीच का कोण का साइन थीटा निकाल सकते हैं। और जो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा था वहाँ से कॉस थीटा हम लोग निकालते थे, यहाँ साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू, यदि दो सदिश इसको ऐसे लिख लें, यदि दो सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर, वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दे रहे हैं, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिक्स नंबर। ये हम लोगों ने ले लिया ए और ये हम लोगों ने ले लिया बी वेक्टर और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप की दिशा हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर, ये देखिए आपका ये वेक्टर ए हो गया दिशा और ये वेक्टर हमारा हो गया बी, दूसरा वेक्टर बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी यानी एन कैप की दिशा निकालने के लिए आप क्या करिए, ए की दिशा में हम लोगों ने अपना दायां हाथ किया, ए की दिशा में अपने उंगलियों को किया और ये B की दिशा में इनको हम लोग मोड़ रहे हैं, A की दिशा में करके B की दिशा में जब मोड़ेंगे आपका तो थंब ऊपर जा रहा है, यानी A और B के ऊपर वाले तल में ये जो वेक्टर होगा वो A क्रॉस B की दिशा देगा। तो यहाँ से जो इसका N कैप की दिशा आ रही है, तो इसको दिखाने के लिए कॉपी में आप तो वहाँ पे बना नहीं सकते, तो ये हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जो ये N कैप की दिशा यानी A क्रॉस B की दिशा है ये
कापी के तल के ऊपर है, ऐसे बोल सकते हैं आप। एन कैप की दिशा कापी के तल, जो कापी का ये जो तल है उसके, कापी के तल के ऊपर लंब दिशा है, यानी कापी, इस कापी का जो तल है इस पे ऊपर जो लंब वेक्टर होगा वही हमारा ए क्रॉस बी की दिशा देगा, ठीक है। अब हम लोग बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ई का, बी क्रॉस ए का फार्मूला के लिए वही हम लोग लगाएंगे, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, यहाँ पे इसको एन वन कैप हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे एन टू कैप। तो एंगल तो दोनों के बीच का सेम ही है, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो एन टू कैप और एन वन कैप की दिशा क्या एक ही है, तो ए और बी वेक्टर हमारा दोनों वही पहले जैसा है, कोई अलग नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ए क्रॉस बी की दिशा तो तल के ऊपर हो गई, बी क्रॉस ए की दिशा क्या होती है, कोण तो सेम ही रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये बी हमारा हो गया, बी की दिशा हो गई, ये हमारा ए की दिशा हो गई, ठीक है। अब हम लोग अपना दाएं हाथ की उंगलियों को बी की दिशा में किया, अपना हाथ बी की दिशा में करने के बाद हम अपनी उंगलियों को किधर मोड़ेंगे, ए की तरफ मोड़ेंगे। तो ये देखिए जब ए की तरफ आप मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अंगूठा नीचे जा रहा है, यानी बी क्रॉस ए की दिशा इस तल पे लंबवत दिशा में होगी, लेकिन कापी के तल के नीचे होगी, ऊपर नहीं, यहाँ पे नीचे होगी। तो ये हमारा एन टू कैप की दिशा हो गई, यानी यही हमारा बी क्रॉस ए की दिशा होगी, एन टू कैप हमारा कॉपी के तल पर लंब और नीचे की ओर है, क्योंकि किसी भी तल, मान लीजिए आपका हाथ एक तल है तो इसके लंब दो दिशा हो सकती है, एक तो इस तल के ऊपर, इस तल के ऊपर, और एक इस तल के नीचे एक दिशा हो सकती है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि एन वन कैप हमारा क्या है, कापी के तल के ऊपर है, और एन टू कैप हमारा कापी के तल के नीचे है, यानी ए क्रॉस बी की दिशा कापी के तल के ऊपर की दिशा में है और बी क्रॉस ए की दिशा कापी के तल पे नीचे की ओर है, बस केवल दिशा का अंतर है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यहाँ पे भी है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यहाँ पे भी है, और एन वन कैप और एन टू कैप का परिमाण भी वन है, बस दिशा अंतर है। तो हम लोग यहाँ से एन वन कैप और एन टू कैप एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एन वन कैप हमारा इस दिशा में है तो एन टू कैप उसके जस्ट अपोजिट दिशा में है। तो यहाँ से हम लोग एन वन कैप वेक्टर बराबर माइनस एन टू कैप वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग यूज करें तो n2 कैप की जगह हम लोग माइनस n1 कैप लिख सकते हैं, या n2 की जगह माइनस n1 कैप, या n1 की जगह माइनस n2 कैप। तो यहां से हमारा हो जाएगा a क्रॉस b, a क्रॉस b इक्वल टू ये मॉड a मॉड b साइन थीटा, और n1 कैप की जगह अगर हम लिख दें माइनस n2 कैप, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, माइनस इधर कर ले माइनस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन टू कैप, और मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन टू कैप हमारा क्या है, बी क्रॉस ए। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी क्रॉस ए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों का अगर परिमाण की बात करी जाएगी तो सेम आएगा, लेकिन दिशा हमारा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर होती है और बी क्रॉस ए की दिशा नीचे होती है, तो दोनों एक दूसरे के माइनस होते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए,
ठीक है। इसको जो है ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर सिक्स। इसको एक एक जो एग्जांपल से और दिखा दे रहे हैं कि हम लोग ये वेक्टर मान लें ए है और ये वेक्टर मान लें बी है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी की दिशा हमारे क्या होगी, ये हमारा ए, ए के डायरेक्शन में हम लोगों ने किया दाएं हाथ और बी की दिशा में मोड़ा, कांपे के तल के ऊपर की ओर आ रहा है तो कांपे के तल के ऊपर की ओर, तो ये हम लोग ऐसे बना दिए, ये इसकी दिशा आ रही है, ये हमारा क्या है ए क्रॉस बी की दिशा कांपे के तल के ऊपर की ओर आ रही है और ये सेम है हमारा ए और बी सेम वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। अब हम लोग बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, बी क्रॉस ए की दिशा, तो बी के डायरेक्शन में हम लोगों ने किया, देखिए अपना दायां हाथ हम लोगों ने वेक्टर बी के डायरेक्शन में किया और उंगलियों को हम लोग ए की दिशा में मोड़ रहे हैं, तो ये अंगूठा हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी बी क्रॉस ए की दिशा ये हमारा कॉपी के तल के नीचे की ओर जा रहा है। इसको हम ऐसे ही दिखा सकते हैं कॉपी में बनाने का, इसको डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड का मतलब कि कॉपी के तल के नीचे है, तो ये हमारा इसको एन वन कैप कहें तो ये हमारा एन टू कैप हो जाएगा और एंगल तो वही है हमारा सेम दोनों हैं। तो इससे हमको फाइनल कंक्लूजन मिला कि जो ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो इससे हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि आई जे के वाला, आई हो गया आई कैप जे कैप के कैप और आई जे की तरफ हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलें, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसकी विपरीत दिशा में, तो आई क्रॉस जे हम लोगों ने देखा था, आई कैप क्रॉस जे कैप, हमारा आई जे के बाद क्या मिला के कैप, ये हो गया जे क्रॉस के कैप, जे के बाद आई, तो जे क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप और के क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप, के क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। इसका मतलब हुआ कि आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलें तो एक जो पहले मिला उसका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे के साथ जो तीसरे नंबर पर मिलेगा वो होगा, पहला ये हो गया तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। तो अब हमको पता है कि आई क्रॉस जे अगर के है तो अगर इसी को हम लोग जे क्रॉस आई कर देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो अगर यहीं पे हम लोग इसको लिखें कि जे क्रॉस, यहाँ पे जे क्रॉस आई कैप कर दें तो उल्टा कर दिया तो इसके बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है, और के क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप और आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस ऑफ जे कैप। तो इसको याद रखना और समझना दोनों बहुत आसान है। पहले आप आई जे के का ये सिस्टम समझ लीजिए कि आई जे के से आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलें, आई मिला फिर जे मिला फिर के मिला, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, ये तो लिख ही लेंगे आप, और ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए से अगर इसका आर्डर बदल देंगे तो यह के कैप है तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, तो यहाँ पे आर्डर पलट दिए तो जे क्रॉस आई कैप हमारा हो जाएगा माइनस के कैप। तो ये हमारा हो गया सेवन नंबर पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर एट। पॉइंट नंबर एट, तो दो वेक्टर ए और बी के बीच का अगर कोण थीटा हो तो ए क्रॉस बी हम लोग लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा,
एन कैप। ए बी थीटा, तो एन कैप हमारा ये हो जाता है। अब आठवां पॉइंट भी हमारा इसी से रिलेटेड है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे इस प्रकार हैं कि वो कोई त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं। यानी ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हमारा वेक्टर बी हो गया। यानी ए और बी वेक्टर हमारे किसी त्रिभुज की दो भुजाएं निरूपित कर रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच का कोण थीटा है। तो इसको हम लोग मान ले पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो अगर हम लोग पूछें कि एसी लेंथ क्या होगा, एसी लेंथ यहाँ पे तो वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वही हमारा लेंथ एसी होगा। अगर पूछा जाए यहाँ पे जो ए बी लंबाई कितनी होगी, तो जो वेक्टर बी का परिमाण होगा वो हमारा ए बी लंबाई होगा, ठीक है। अगर सी से यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, लंब ड्रा करें, इसका नाम रख दें डी। तो अगर इस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर आधार हम लोग ए बी को माने तो ये क्या होता है, एक बटा दो आधार गुणे संगत ऊंचाई, आधार गुणे संगत ऊंचाई। यानी जिसको आप आधार माने हैं उसके अपोजिट शीर्ष से उस आधार पे लंब, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बटा दो। आधार हमारा है ए बी और संगत ऊंचाई हमारा सी डी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू ए बी। ए बी हमारा क्या है, मॉड बी, और सी डी हम लोग निकालना चाहते हैं, तो सी डी को अभी हम लोग यहाँ पे सी डी ही लिख लें। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे लगाते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, हम लोग इसमें लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब सी डी बटा कर्ण ए सी। यहाँ से हमारा तिरछा गुणा करें तो सी डी बराबर हो गया ए सी साइन थीटा, यानी सी डी बराबर, ए सी हमारा है मॉड ए, सी डी बराबर मॉड ए साइन थीटा, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये जो हमारा है समीकरण एक लिख लेते हैं, ये समीकरण दो। अब समीकरण दो से सी डी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण दो से सी डी बराबर मॉड ए साइन थीटा समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वन बाई टू मॉड बी इंटू सी डी की जगह हमारा हो गया मॉड ए साइन थीटा। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया हमारा मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, ठीक है। और ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस हमारा होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप की वैल्यू क्या होती है, मॉड एन कैप की वैल्यू वन होती है। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और यहाँ पे यानी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा कहीं पे लिखा है तो उसके जगह पे हम लोग ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिख सकते हैं। तो हम लोगों का जो आया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो अभी हम लोगों ने निकाला है वन बाई टू मॉड बी इंटू मॉड ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग मॉड बी मॉड ए साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हाफ ए क्रॉस बी
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ ए क्रॉस बी, यहां से अगर दोबारा देखें, यदि हमारा दो वेक्टर ए और बी जिनके बीच का कोण थीटा हो किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं बना रहे हों तो उनका जो क्षेत्रफल होता है हाफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो यहां पे एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो ए और बी वेक्टर हमारे त्रिभुज की दो भुजाएं होंगे, तो इस पॉइंट को ए बी सी, ए सी जो लेंथ होगा ये हमारा वेक्टर ए का जो मॉडुलस होगा वही हमारा ए सी लेंथ होगा, और ए बी लेंथ हमारा वेक्टर बी का मॉडुलस होगा। यहाँ से हम लोगों ने लंब ड्रा कर दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे संगत ऊंचाई, हाफ आधार हम लोगों का ए बी हो गया और ए बी हमारा है मॉड बी और संगत ऊंचाई सी डी। अब सी डी हम लोग निकालना चाहते हैं तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर सी डी बटा ए सी। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे, सी डी बराबर ए सी साइन थीटा और ए सी हमारा मॉड ए है, तो सी डी इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी डी की जगह मॉड ए साइन थीटा रख दिया, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस हमारा होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी का मॉडुलस हम लोगों ने लिख दिया। तो अब इस पूरे पॉइंट को समराइज करते हैं कि यदि वही बात फिर से लिख दे रहे हैं जो है पूरा समराइज करके, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएँ हों और उनके बीच का कोण कोई थीटा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला बन गया, पूरा कंक्लूजन हम लोगों का यही है, बाकी इसको हम लोगों ने समझा है कि कहाँ से ये आया। यानी दो वेक्टर ए और बी संलग्न भुजाएं मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी का मॉडुलस।